नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जिन जातकों की जन्म कुंडली में या जन्म पत्रिका में मंगल आठवें भाव में होता है तो क्या लाभ देता है और क्या हानि देता है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें, ताकि ऐसी ही तमाम जानकारी भरी वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। हाँ, आपने ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को हो, तो प्लीज़ हमें शेयर करना ना भूलें। आइए आज हम बात करते हैं आपसे कि मंगल यदि आठवें भाव में बैठा है किसी जातक की पत्रिका में तो क्या लाभ देता है और क्या हानि देता है। साथियों, जिस किसी भी जातक की पत्रिका में मंगल आठवें भाव में होता है, ऐसे लोगों की भाई बहनों से आपस में पटरी नहीं खाती, यानी कि भाई भाई आपस में शत्रुवत व्यवहार करते हैं और शत्रु एक दूसरे के बन जाया करते हैं। ऐसे लोग दरिद्र जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन में जो है इन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत जो है ज़्यादा जीवन में परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। वैवाहिक सुख हो या कैसा भी सुख हो, इनको प्राप्त करने के लिए बहुत ही परिश्रम और संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। पुरुष राशि का यदि मंगल आठवें घर में बैठा होता है तो ऐसे लोगों को संतान कम हुआ करती है। स्त्री राशि में यदि मंगल आठवें भाव में बैठा है, यानी कि कर्क वृश्चिक मीन राशि में हो, तो ऐसे लोगों को संतति योग बनाता है। हाँ, पुरुष राशि में यदि मंगल आठवें भाव में है तो संतान अभाव देता है, संतान सुख से वंचित करता है, संतान बाधा योग देता है पुरुष राशि में। लेकिन यदि स्त्री राशि है तो ऐसे में जो है संतान योग बनता है। मकर में यदि मंगल आठवें भाव में बैठा हो तो भी संतान अभाव बना रहता है, संतान नहीं होती यदि मकर में आठवें भाव में मंगल बैठा हो तो। अष्टम भाव में मंगल वाले व्यक्ति ज़्यादातर अधिकारी बनते हैं और ऐसे अधिकारी बनते हैं जो जीवन में करप्शन कितना भी करते हो, रिश्वत कितनी भी लेते हो, लेकिन जल्दी शीघ्र पकड़े नहीं जाते। यानी कि यह मंगल एक ऐसा भी दोष व्यक्ति के जीवन में प्रकट करता है, इसलिए मंगल यदि आठवें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को अपने अनैतिक कार्यों को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, ताकि जीवन में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी या समस्या ना आए। मंगल आठवें भाव का व्यक्ति को सबसे बड़ी बीमारी देता है रक्त विकार की, हृदय रोग की। रक्त विकार, रक्त संबंधी बीमारियां ऐसे जातकों को होना स्वाभाविक है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा व्यक्ति धन लाभ की गणित हमेशा लगाता रहता है और धन लाभ हो या ना हो, धन लाभ और धन की लालसा रखने वाला व्यक्ति होता है अष्टम भाव का मंगल, इसमें कोई संदेह नहीं। बल्कि ऐसे लोगों को अपने धन के चोरी हो जाने का भी भय हमेशा बना रहता है, गुप्त शत्रुओं का भी भय बना रहता है और गुप्त रोग भी इन जिसकी जन्म कुंडली में या जन्म पत्रिका में आठवें भाव में मंगल होता है तो उन्हें गुप्त रोगों का भी खतरा बना रहता है। तो ये रोग, ऋण और शत्रु तीनों ही आठवें भाव के मंगल को परेशान करने का योग दर्शाता है। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लें, ताकि ऐसी ही तमाम वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। हाँ, आपने ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है कि हमारी वीडियो का लाभ लोगों को हो, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे। धन्यवाद।